नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। न्यू विवेक विहार में जारी श्रीमद् भागवत सप्ताह अमर कथा के तीसरे दिन के भागवत पोथी और व्यास पूजन के लाभार्थी धीरज सिंह, दरबार सिंह, डॉक्टर गुरजिंदर सिंह, गुरसेवक डीलर, तरशेम डीलर, मधु राजकुमार, श्याम सुंदर और मुख्य यजमान धनीराम भगत ने तिलक टीका लगाकर पुष्प माला पहनाकर आशीर्वाद लिया। वार्ड नंबर 12 के पार्षद प्रतिनिधि समाजसेवी गुरप्रीत सिंह शाना ने भी व्यास पूजा कर आशीर्वाद लिया और कथा श्रवण का लाभ उठाया। कथा व्यास आचार्य सनातन चैतन्य महाराज ने अपनी मधुर आवाज में भागवत कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि श्री सुखदेव मुनि जैसा भागवत वक्ता राजा परीक्षित जैसा भागवत श्रोता न था, ना है, ना होगा। राजा परीक्षित को एक ऋषि पुत्र समीक का श्राप मिला तो दूसरे ऋषि पुत्र सुखदेव मुनि भागवत अमर कथा श्रवण करा करके अमृत वो प्रदान कर गए। इस अवसर पर आज सुंदर भगवान शंकर की झांकी का प्रदर्शन किया गया। भगवान शंकर की ओर से तांडव नृत्य का मंचन किया गया। उपस्थित भक्तों ने हर हर महादेव बोलकर और ताली बजाकर माहौल सुंदर भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम के अंत में भगवान शिव जी और भागवत भगवान की आरती पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।